नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मध्य प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी को लेकर कुछ कहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। ऑफिसर का जो पद होता है ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है पूरे चुनावी प्रक्रिया में, जब तक काउंटिंग ना हो जाए। और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को पदस्थ किया हुआ है जिसको दो दो बार चुनाव आयोग ने निष्पक्ष ना मानते हुए दो बार हटाया, जिसके ऊपर लोकायुक्त में शिकायतें लंबित है। ऐसे अधिकारी को वहां पर बैठाला हुआ है, तो क्या चुनाव आयोग वाकई में निष्पक्षता से काम कर रहा है? यह चुनाव आयोग क्यों ऐसे अधिकारियों के प्रति अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है? कुछ चुनाव आयोग ने इनको हटाया था, तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग को पता नहीं हो इनकी पूर्व की कार्यशैली। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, अभी मुश्किल से 2017 और 2018 की बात कर रहा हूँ। तो चुनाव आयोग के संज्ञान में होते हुए यदि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को रख रहा है तो निश्चित ही सवाल तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठेंगे। और क्या ऐसे अधिकारी चिन्हित कर रखे हैं प्रदेश के शासन ने, बीजेपी सरकार ने और चुनाव आयोग ने, जो कि चुनावों के लिए स्पेशली जाएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे या वोटों को प्रभावित करने का काम करेंगे या वहां पर बीजेपी की बजाने का काम करेंगे? ये मेरा प्रश्न है। तो मैं पहले तो ये मांग करता हूं आप सभी के माध्यम से कि तत्काल उदय सिंह सिकरवार को रिटर्निंग ऑफिसर के पद से वहां से हटाया जाए और विजयपुर श्योपुर जिले से ही बाहर करके उनको एक ऐसी जगह पर अटैच किया जाना चाहिए जहां से वो इस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में ना बचे। दूसरी चीज, क्योंकि इन अधिकारी के खिलाफ तो मैंने प्रमाण दिए, ऐसे और भी अधिकारी वहां पर पदस्थ हैं और उनके खिलाफ भी मैं प्रमाण इकट्ठे कर रहा हूं, जल्द ही मैं आपको उनके लिए भी प्रमाण दूंगा। ऐसे जो भी अधिकारी हैं इन सबको वहां से हटाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो वहां पर। आप देखिए, दो ही दिन के अंदर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के ऊपर दो दो FIR दर्ज कर दी। एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से डाला था, 6 साल पुराना वीडियो है, ठीक है। तो क्या 6 साल पुराने वीडियो को 6 साल बाद डालना या 60 साल बाद भी डालना कोई अपराध है क्या किसी CRPC में या BNS जो इनने बनाई? कभी भी डाल सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके मैं सामने बोल रहा हूँ, आज से आप इसको 20 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। मैंने ये तो नहीं लिखा ये तत्काल का वीडियो है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी के दबाव में इस तरह की जो है FIR झूठी करवाई गई है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है इन FIR से कि बीजेपी में घबराहट है, बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाहट है। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति हार की ओर बढ़ता है और उसको अपनी हार निश्चित दिखने लगती है तो वो इस प्रकार के कदम उठाने लगता है कि भाई वो प्रताड़ित करो लोगों को, आम कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म करो या कोई भी व्यक्ति आया रास्ते में उसके ऊपर प्रशासन का दुरुपयोग करके झूठी FIR करवाई जाए। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूँ, अभी मोहन यादव जी ने वहां पर जिस दिन नामांकन भरवाने गए थे रामनिवास रावत जी का, तो मोहन यादव जी ने भरे मन से घोषणा करी कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए दिया जाएगा। तो अगर चुनाव आयोग के नियम हैं और तो जैसा कि आपने सुना, ये थे कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, जिन्होंने साफ शब्दों में मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि ये जो अधिकारी है वो सत्ताधारियों के साथ मिला हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि उनके इस कथन पर क्या भाजपा कोई प्रत्युत्तर करती है या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।